शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट से मैगजीन और कारतूस के साथ एक संदिग्ध यात्री हुआ गिरफ्तार। कलीमुद्दीन नाम का व्यक्ति जो हवाई जहाज पकड़ने आया था, उसके पास से मिले हैं कई फर्जी आईडी। दरभंगा एयरपोर्ट पर शनिवार को मैगजीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके बैग से एक मैगजीन और 9 mm का 3 जिंदा कारतूस सहित कई कागजात मिले हैं। गिरफ्तार संदिग्ध व्यक्ति की पहचान मोतिहारी के ढाका का रहने वाला के रूप में हुई है। कलीमुद्दीन शनिवार को मोतिहारी से दरभंगा आया था और दरभंगा से मुंबई जाने के क्रम में स्कैनिंग के दौरान हवाई अड्डा पर बैग के अंदर गोली दिखा, जिसके बाद हवाई अड्डा पर सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़कर एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूछताछ के बाद सुरक्षा की दृष्टि से सदर थाने के हवाले कर दिया, जहां सदर SDPO अमित कुमार ने घंटों पूछताछ किया। वहीं पत्रकारों को इन्होंने बताया कि मोहम्मद कलीमुद्दीन के पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, आगे इससे पूछताछ की जा रही है। जो संदिग्ध व्यक्ति है वो मोतिहारी के ढाका का रहने वाला है। इसके पास से कई फर्जी आई कार्ड एवं 3 जिंदा कारतूस एवं एक मैगजीन हुआ बरामद। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए सदर SDPO अमित कुमार ने पत्रकारों को दी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर, क्या है पूरा मामला? जो एयरपोर्ट मामला यह है कि एयरपोर्ट पर आज बॉम्बे जाने वाली जो फ्लाइट है स्पाइसजेट की, उसमें जा रहे यात्रियों की जब सामान को स्कैन किया रहा था, उसमें स्कैनर में कलामुद्दीन नाम का ये शख्स है जो मोतिहारी का बताया जा रहा है, जैसा इसका आई कार्ड वगैरह से पता चल रहा है। इसके सामान में ये 3 लाइव बुलेट्स और एक मैगजीन मिला। उसके बाद इसे डिटेन किया गया है और पूछताछ के लिए सदर थाना अंतर्गत लाया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या क्या सर बरामद जो हुए हैं उसमें कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं? संदिग्ध में फिलहाल तो ये बुलेट्स हैं और उसके अलावा इसका आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम कुछ और है, प्रेस का कार्ड है जो उसने बना रखा है। प्रीवियस इसका ट्रैक अपराधी का रहा है, ये सब पता किया जा रहा है उसके मोतिहारी जिले से। ये क्या बता रहा है, ये आया कहाँ से और कहाँ जाना था और ये बुलेट कहाँ से इसके पास है, ये जानकारी? ये अभी तरह तरह की बातें बता रहा है लेकिन उसका स्पष्ट कुछ कहना मुश्किल है, जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा सर कि कोई संदिग्ध मामला है? जो फेक आई कार्ड हैं, प्रेस का कार्ड है, एक मानवाधिकार का कार्ड है, ये सब देखते हुए तो मामला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रतीत नहीं हो रहा है। सर PA5 से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ था, जब मोतिहारी में कांड का संदिग्ध जांच के लिए टीम गई थी, तो उससे भी कुछ जोड़ के देखा जा रहा है। अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना इसके लिए, इनसे पर कुछ कहना बहुत अर्ली है। क्या पहचान, क्या बताया नाम, क्या बताया नाम वगैरह है? थाने से पुष्टि की गई है वहाँ के थाने से, इस नाम का शख्स वहाँ एग्जिस्ट करता है। नाम क्या बताया? कलीमुद्दीन। सर जिस गांव का ये बताया जा रहा है नेपाल से सटा हुआ है, क्या लग रहा है कुछ इंटरनल इस तरह की बात है? सब पर वहाँ से जांच पड़ताल की जा रही है, इंटरडिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन करके वहाँ के पुलिस के सहयोग से उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। विदेश उदेश का इसका यात्रा पर निकला है क्या? ऐसे कोई साक्ष्य तो प्राप्त नहीं है। पासपोर्ट इससे है बना हुआ? बना पता है, बता तो रहा है अभी।